नमस्कार दोस्तों, बोल्सकाय में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम में गर्म हवाओं की वजह से घर के बच्चों और बुजुर्गों को डिहाइड्रेशन, बुखार, सिर में दर्द, पेट संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इन दिनों कई लोगों में तेज बुखार जैसी समस्या भी देखी जा सकती है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार गर्मी में बुखार होने का कारण क्या है और इससे बचने के लिए कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दें कि गर्मी में कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। गर्मियों के मौसम में काफी पसीना निकलता है, ऐसे में शरीर में पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होने की वजह से बुखार, दस्त, कब्ज और पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा पानी की कमी से पेशाब का कम होना, ड्राई स्किन, चक्कर आने जैसी समस्या भी हो सकती है। तो आइए चलिए अब जान लेते हैं कि गर्मियों में बुखार आने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण है कि बाहर तपती हुई धूप से आना और ठंडे एसी वाले कमरे में बैठ जाना। दूसरा कारण यह है कि धूप और लू का सामना करने के बाद घर आते ही चेहरे को धोना और बालों को गीला कर लेना। इसके अलावा तीसरा कारण है ज्यादा ठंडा पानी पीना या धूप में खड़े होकर आइसक्रीम खाना। वहीं चौथा कारण है कि रात को ठंडी छाछ या लस्सी का सेवन करना। तो चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि गर्मी में बुखार से बचने के लिए क्या करें। गर्मियों में शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे में पानी पीना बहुत जरूरी है। घर पर हो या ऑफिस, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें, इससे शरीर का वाटर लेवल मेंटेन रहेगा। सूती और ढीले कपड़े ही पहने। धूप और तेज गर्मी में कहीं आने जाने से बचें। अगर जाते हैं तो धूप से आने के तुरंत बाद एसी में बैठने से बचें। अगर आपको गर्मी के मौसम में बुखार हो गया है तो सिर पर ठंडे पानी का कपड़ा लगाएं। बुखार में सादा पानी पीने में समस्या हो सकती है, इसलिए आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।